ब्लड डोनर सिलेक्शन। अब जो डोनर अपना ब्लड डोनेट करने आते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनकी एज पूछी जाती है, उनका वेट पूछा जाता है। वेट 55 kg तो मैंडेटरी है, अगर इससे कम वेट हुआ तो उस डोनर को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। फिर कुछ हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, डोनर मस्ट बी इन जनरल गुड हेल्थ। पूछा जाता है कि आपको कोई माइनर हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे फीवर, कोल्ड, फ्लू। अगर ये किसी को होता है तो उसे टेम्परेरली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एंड अदर सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री, जैसे मेजर सर्जरी हुई हो कोई, तो इस केस में डोनर को 1 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एंड इन मोर सीरियस हेल्थ इशू, जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, हेपेटाइटिस, ऑर्गन फेलियर, HIV, इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज़, या थायराइड है किसी को लॉन्ग टर्म से, डायबिटीज़ है एट्सेट्रा, यूजुअली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इस केस में परमानेंटली। वो जो डोनर है वो ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकता फिर अपना परमानेंटली। इन सम डिजीज सच एज मलेरिया, टाइफाइड, इसमें डोनर को 3 to 6 months के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। उसके बाद अगर डोनर को ये सब कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, वो सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट होने के बाद उसे पूछा जाता है कि 6 to 8 hours की नींद आपकी पूरी है या नहीं, एंड डिड यू ईट इन द लास्ट 4 hours, एंड आप हैवी अमाउंट में कोई अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं करते, या आपके बॉडी में कोई टैटूज या पियर्सिंग वगैरह तो नहीं है, मतलब रिसेंट जो कराई हो वो नहीं होनी चाहिए, 1-2 years की हो तो ये चल जाता है इतना। एंड आप पेशेंट को कैसे जानते हो, आपकी क्या लगती हैं रिलेशन में। आफ्टर ऑल दीज क्वेश्चंस डोनर को सिलेक्ट किया जाता है, हो जाता है सिलेक्ट डोनर। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, उसके बाद हीमोग्लोबिन भी चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर 12.5 हो तो वो भी ठीक है, बट 12.5 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। बस ये सब क्वेश्चन से किए जाते हैं, उसके बाद जो डोनर है वो अपना ब्लड डोनेट कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।